राजिम माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई है और राजिम के मुख्य मंच पर शाम 7 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मेले की शुरुआत की। डॉक्टर महंत ने कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सद्भाव और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने राजिम मेला को पुरातन संस्कृति और पुन्नी मेला के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही पहला विधेयक राजिम माघी पुन्नी मेला को लेकर लाया गया था और गजेटियर के अनुसार इसे पुन्नी मेला का नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब राज्य में अलग से धार्मिक न्यास का संचालनालय बनेगा जिसमें संभाग स्तर पर उपसंचालक पद की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि राजिम माघी पुन्नी मेला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 6 मार्च जानकी जयंती के दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके के आने की संभावना है। मेरा सौभाग्य है कि आज राजिम पुन्नी मेला का शुभारंभ हुआ। एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते इसका उद्घाटन करने की जवाबदारी जो मुझे मिली उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ताम्रध्वज साहू जी को धन्यवाद देता हूँ। मेले में आने वाले लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेले में भीड़ तो इस बार कम है मगर मौलिकता को बनाए रखना है। आज राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारम्भ है। 27 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक चलेगा। पुराने स्वरूप में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं पर कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए कुछ चीज़ों में कटौती किए हैं पर कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को असुविधा ना हो।